इसराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी लोगों का देश है, जिसे लगभग दुनिया के सभी देशों ने मान्यता दे दी है। और इसी जमीन पर एक और देश है, फिलिस्तीन, जो कि अरब मुस्लिम देश है। असल में यह कोई देश नहीं है, क्योंकि अभी तक फिलिस्तीन को एक देश की मान्यता नहीं मिली है। और ये दोनों एक ही जमीन पर है, जिसे आज हम इसराइल कहते हैं। तो जब भी इसराइल का नाम आता है, तब यही पता चलता है कि यहूदियों और मुसलमानों की लड़ाई 1000 साल से चल रही है। और हम जैसे लोगों को भी इसराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई इतनी जटिल लगती है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, एकदम सीधा इतिहास है इसका। तो आज के इस वीडियो में हम इसराइल और फिलिस्तीन का जो विवाद है, उस बारे में विस्तार से जानेंगे कि क्यों इन दोनों के बीच विवाद है, इसके कारण क्या है, कब यह विवाद शुरू हुआ था, उसके बाद इस विवाद को लेकर क्या क्या इस जमीन पर हुआ, आज क्या स्थिति है इसे लेकर, और इसे कैसे रोका जा सकता है, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक कमाल की ऐप के बारे में बताना चाहेंगे, जिससे आप दुनिया में कहीं से भी अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग कर सकते हैं। जी हाँ, ऐप का नाम है FreeFly881। इस ऐप को डाउनलोड करते ही आपको साइन अप करके रजिस्टर करना है, फिर प्रोफाइल पेज पर जाना है और QR कोड पर क्लिक कर लेना है। अब ये QR कोड आपको अपने कस्टमर या फिर दोस्तों को देना है, और जब भी इस कोड को स्कैन करेंगे तो वे सीधा फ्री में आपको कॉल कर सकते हैं, वो भी विदाउट ऐप रजिस्ट्रेशन और विदाउट एडिंग कॉन्टैक्ट्स। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप से कॉल करते वक्त आपका फोन नंबर सामने वाले के पास चला जाता है, लेकिन FreeFly881 में ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको फ्री कॉल के लिए एक यूनिक QR कोड मिलता है, और बिना किसी चार्ज के आपको वेबसाइट पर कॉल बटन भी मिलता है, जिस पर क्लिक करके आपके कस्टमर आपको फ्री में कॉल कर सकते हैं। और इसके लिए उन्हें कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना है और कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना है, बस एक क्लिक, जो फीचर व्हाट्सएप तक नहीं देता। व्हाट्सएप और FreeFly881 बिल्कुल सेम है, लेकिन FreeFly881 के ऐप और वेबसाइट पर आपको सर्च का फंक्शन मिलता है, जिससे आप फोन बुक में से यूजर्स को कॉल कर सकते हैं, और कस्टमर भी किसी भी बिजनेस को सर्च करके फ्री में कॉल कर सकते हैं। FreeFly881 हुआई फोन को भी सपोर्ट करता है। आपका FreeFly881 का अकाउंट ID और पासवर्ड डाल के हुआई फोन को सेट कर सकते हैं, जिससे आपके ऑफिस में कोई भी कॉल उठा सकता है और कर भी सकता है, बिल्कुल किसी नॉर्मल फोन की तरह। बाय द वे, व्हाट्सएप में आप ऐसा नहीं कर सकते, तो जाओ और ऐप को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका इतिहास थोड़ा सा लंबा है, जिस बारे में मैंने पिछले वीडियो में विस्तार से बताया था कि इसराइल देश कैसे बना था, फिर भी ऊपर ऊपर से यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो, और अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख ले। आज से 3000 साल पहले आज का जो इसराइल है, यहाँ पर पैगंबर अब्राहम के पोते याकूब के 12 बेटों ने 12 अलग अलग यहूदी कबीले बनाए थे यरूशलेम में, जो यरूशलेम आज इसराइल में है। यहाँ पर इन यहूदी लोगों ने टेम्पल माउंट बनाया था, जो यहूदी लोगों का सबसे पवित्र स्थान था। फिर 2000 साल पहले रोमन लोगों ने इस पर हमला किया, इस कारण ये सभी यहूदी लोग इस जगह को छोड़कर दुनिया के अलग अलग कोने में चले गए, और रोमन लोगों ने यहूदियों का पवित्र टेम्पल को तोड़ दिया। उसकी सिर्फ एक ही दीवार आज बची है, जिसे वेस्टर्न हॉल के नाम से आज हम जानते हैं, और यहूदी लोग आज भी इस दीवार पर अपनी प्रार्थनाएं करते हैं। और इसी शहर में रोमन लोग यानी ईसाई धर्म के लोगों का भी सबसे पवित्र स्थान है, क्योंकि ईसा मसीह को इसी जगह पर चूल्ही पर लटकाया गया था, और इसके बाद मुस्लिम लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया, और उन्होंने मुसलमानों का तीसरा सबसे पवित्र स्थान इस जगह पर बनाया, अल अक्सा मस्जिद। तो एक ही शहर में तीन धर्मों का पवित्र स्थान है। इस इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पर वेस्टर्न वॉल है, यहाँ पर अल अक्सा मस्जिद है, और यहाँ पर ईसाइयों का चर्च है। अब मुस्लिम लोगों के यहाँ आने के बाद वे ही लोग सदियों से इस जगह पर रहते थे, लेकिन यहूदी लोग जो दुनिया के कोने कोने में अलग अलग जगह पर टिके थे, उनके साथ अत्याचार होने लगा था, जिसे एंटीसेमिटिज्म कहते हैं। इसलिए यहूदी लोग चाहते थे कि उनके धर्म के लोगों का एक अलग देश बनाना है, जैसे हिंदू लोगों का भारत है, चाइनीज लोगों का चाइना है, वैसे ही यहूदी लोगों का अपना देश बनाना था। फिर प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान ब्रिटिश ने यहूदी लोगों के साथ एक समझौता किया, जिसे बालफोर डिक्लेरेशन कहते हैं। इसके तहत अगर ब्रिटिश युद्ध जीतेगा तो यहूदी लोगों को
उनकी जमीन पर एक देश दिया जाएगा। इस खबर के बाद दुनिया भर के यहूदी धीरे धीरे अपनी पुरानी जगह इसराइल की तरफ आने लगे थे, लेकिन युद्ध के बाद ब्रिटिश ने ऐसा नहीं किया और फिर दूसरा विश्व युद्ध हुआ जिसमें हिटलर ने 60 लाख यहूदी लोगों को मार दिया। इस कारण दुनिया को बचे हुए यहूदी लोगों पर दया आ गई कि अब यहूदी लोगों पर और अत्याचार नहीं होना चाहिए। इस कारण यूनाइटेड नेशन ने साल 1948 में फिलिस्तीन के अंदर एक हिस्सा यहूदी लोगों को दिया जिसे इसराइल नाम दिया गया। अब फिलिस्तीन में मुस्लिम लोग रहते थे, उनका कहना था कि हमने कभी यहूदी लोगों को नहीं मारा और ना ही हमारी उनसे कोई दुश्मनी है। यहूदी लोगों पर ईसाई धर्म के लोगों ने अत्याचार किए थे, तो यहूदी लोगों को यूरोप में उनका देश बनाकर दो, यहाँ अरब में उन्हें देश नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी इसराइल को इसी जमीन पर अपना देश दिया गया और यहीं से इसराइल और फिलिस्तीन का विवाद शुरू हुआ साल 1948 से, क्योंकि दिक्कत यह हुई कि दोनों समुदाय ने एक ही जमीन को अपना मान लिया। अब इस मैप में इस पहले इमेज को देखें, ये 1946 से पहले फिलिस्तीन था, लेकिन 1948 में यानी इस दूसरे मैप को देखें, इसमें जो येलो कलर का एरिया है वो इसराइल को दिया गया जिसमें उस समय 6.5 लाख यहूदी लोग रहने आए हैं, और इसी जगह पर जो अरब मुस्लिम लोग थे वो इस ब्लैक कलर के एरिया में चले गए। और यहाँ पर यरूशलेम शहर है जिसे अंतर्राष्ट्रीय शहर घोषित कर दिया गया, यानी ये शहर किसी का भी नहीं है, मतलब ये शहर सबका है, ईसाइयों का, यहूदियों का और मुसलमानों का। अब फिलिस्तीन के लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ पर इसराइल देश बने, इसी कारण ज़्यादा देर ना करते हुए इसी साल यानी 1948 में ही इनके 3 पड़ोसी देशों ने इसराइल पर हमला बोल दिया, जिसमें इजिप्त जो इसराइल के इस तरफ है, दूसरा ये जॉर्डन जो यहाँ पर है, और तीसरा ये सीरिया जो यहाँ पर है, और इस तरफ इराक ने भी इसका साथ दिया। लेकिन 4 देश मिलकर भी इस छोटे से इसराइल को नहीं हरा सके जिसका जन्म अभी कुछ महीनों पहले ही हुआ था, और बदले में आधा यरूशलेम शहर इसराइल ने अपने कब्जे में ले लिया। और इस युद्ध में 7 लाख फिलिस्तीनी लोग बेघर हो गए जो अरब में रिफ्यूजी बनकर चले गए। इसके अलावा इस युद्ध के बाद इस पूरे एरिया पर इसराइल का कब्जा हो गया। अब इस मैप में दूसरा और तीसरा मैप आप देखें, युद्ध से पहले ब्लैक कलर का जो एरिया है वो फिलिस्तीनियों के पास था, लेकिन इस युद्ध के बाद ये तीसरा मैप देखें, इसराइल ने कितना बड़ा एरिया फिलिस्तीन से हड़प लिया था। फिर इसके बाद फेमस 6-डे वॉर हुआ जिसमें इसराइल ने फिलिस्तीन की और जमीन हड़प ली। साल 1967 में इसराइल ने दूसरी बार अरब देशों से जंग की। अरब के सभी देश एक साथ इसराइल पर टूट पड़े जिसमें अरब के करीब 6 देश शामिल थे और सामने अकेला इसराइल। लेकिन 6 दिन के अंदर ही इसराइल ने इन सभी अरब देशों को हरा दिया, सिर्फ 6 दिन में 6 देशों को हरा दिया। अब इस मैप में ये चौथी इमेज को देखें, इस युद्ध के बाद फिलिस्तीन के पास जो थोड़ा सा एरिया बचा था वो पूरा का पूरा इसराइल ने हड़प लिया, जिसमें फिलिस्तीन की 2 जगह वेस्ट बैंक और गाजा दोनों पर इसराइल ने कब्जा कर लिया। इसके बाद आने वाले 20 सालों में अरब देशों ने यह मान ही लिया कि इसराइल अब एक देश बन गया है। पर इसके बाद फिर एक और झगड़ा शुरू हुआ फिलिस्तीन और इसराइल के ही बीच। इससे पहले इसराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था, लेकिन इस बार फिलिस्तीन अपनी वेस्ट बैंक और गाजा में खोई हुई अपनी जमीन के लिए लड़ रहा था, जो 6-डे वॉर के बाद इसराइल ने छीन ली थी। अब यह नया झगड़ा अगले 30 सालों तक चला और ऐसा लग रहा था कि अब इन दोनों देशों के बीच शांति समझौता नहीं हो सकता। लेकिन 90 के दशक में इन दोनों के बीच एक समझौता भी हुआ जिसमें तय हुआ कि इसराइल गाजा और वेस्ट बैंक वापस फिलिस्तीन को दे देगा। बाद में फिलिस्तीन को इसराइल को एक देश के रूप में मान्यता देनी पड़ेगी, लेकिन फिलिस्तीन ने ऐसा करने से मना कर दिया। अब आज की तारीख में फिलिस्तीन को दुनिया कोई देश नहीं मानती है। तो आपके दिमाग में यह सवाल उठा होगा कि फिलिस्तीन को कौन चला रहा था, कौन इसे संभाल रहा है? तो वेस्ट बैंक में एक ग्रुप है, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसराइल से बातचीत करता है, और इस तरफ गाजा में भी एक ग्रुप है हमास नाम का, जो 1987 में बना था, जिसने इसराइल को मिटा देने की कसम खा रखी है। साल 2007 में फिलिस्तीन में एक टेम्परेरी सरकार बनी जो अभी तक चल रही है,
और साल 2014 में हमास और इसराइल में फिर से जंग शुरू हो गई। वेस्ट बैंक पर इसराइल का कब्जा है, गाजा में आज फिलिस्तीनी लोग रहते हैं, लेकिन इसराइल के मिलिट्री ने वहां डेरा डाल रखा है, खाना पीना मुश्किल कर दिया है फिलिस्तीनियों का। इसकी शुरुआत हुई थी गाजा में 3 इजरायली छात्रों की हत्या से। इसके बाद इसराइल ने गाजा पर हमला कर दिया, पर यह पता नहीं चल पाया था कि हमास ने ही इन छात्रों को मारा था। और एक दिन हमास ने 40 रॉकेट दाग दिए इसराइल पर। इसके बाद सब कुछ हाथ से निकल गया, भयानक हत्याएं हुई। इसी दौरान पता चला कि हमास ने गाजा से इसराइल तक कई सुरंगें खोद रखी थी। इसराइल ने इन सबको नेस्त नाबूद कर दिया और आखिर में हमास को हार माननी पड़ी। पर इसराइल भी जीता नहीं था यह लड़ाई, क्योंकि गाजा पर से हमास का प्रभाव कम नहीं हुआ था और 8 जुलाई से 26 अगस्त तक चली इस लड़ाई में 2100 फिलिस्तीनी और 73 इसराइली मारे गए थे। और अभी कुछ दिन पहले ही रमजान के आखिरी शुक्रवार के दिन इसराइल पुलिस ने अलक्सा मस्जिद पर हमला कर दिया। उसके बाद बम धमाके, हमास इसराइल पर हमला करता है तो इसराइल हमास पर हमला करता है, वो सब आप जानते ही है। और आगे इसका क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। अब इसराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति समझौता हो सकता है या नहीं, तो इसकी उम्मीद तो बहुत कम है, क्योंकि यरूशलेम शहर जो है उसे इसराइल भी अपनी राजधानी मानता है और फिलिस्तीन भी अपनी राजधानी मानता है। जो यरूशलेम शहर पहले ईस्ट और वेस्ट यरूशलेम में बटा हुआ था, पर 1967 में इसराइल ने यरूशलेम के काफ़ी हिस्से पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे इसराइल के लोग बाउंड्री मार मार के काफ़ी हद तक शहर को हड़प लिया है। और इसराइल के बनने के बाद 7 लाख फिलिस्तीनी लोग रिफ्यूजी हो गए, यानी शरणार्थी, जो इसराइल के डर से अपना फिलिस्तीन छोड़कर दूसरे देशों में चले गए हैं। और अब जब भी शांति की बात होती है तो फिलिस्तीन के लोग इन शरणार्थी लोगों के घर को वापस दिलाए जाने की बात करते हैं। पर दिक्कत यह है कि अगर ये लोग वापस आ जाए तो यहूदी अपने देश में ही माइनॉरिटी हो जाएंगे। फिर एक और दिक्कत है, अगर वेस्ट बैंक और गाजा भी दे दिया जाए तो क्या गारंटी है कि हमास की मांग और नहीं बढ़ेगी? तो इस कारण अब इन दोनों के बीच शांति समझौता हो ऐसा दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। फिर भी उम्मीद करते हैं कि शांति समझौता हो जाए। और आपको क्या लगता है इस बारे में वो भी नीचे कमेंट करके बताएं। तो ये इतिहास था फिलिस्तीन और इसराइल के विवाद का। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।